jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्निहोत्री। शहर में बेअसर नजर आई धारा 144। एसटीएससी एक्ट के विरोध में कहीं शांति तो कहीं हिंसक हुआ लोगों का प्रदर्शन। आइए आपको दिखाते हैं आज दिन भर का घटनाक्रम। सुबह से चल रहा शांतिपूर्ण आंदोलन शाम होते होते हिंसक रूप लेता। उसके पहले ही प्रशासन ने सूझबूझ से संयम बरतते हुए कोई भी अप्रिय घटना होने से पहले ही उस पर काबू पा लिया। शादाब, मैं आपको बता दूं कि रेलवे स्टेशन में भारत बंद के समर्थन में उतरे लोगों ने रीवा दिल्ली ट्रेन को रोकने के इरादे से रेलवे स्टेशन में प्रवेश किया, लेकिन पुलिस की सक्रियता के चलते उसमें सफल नहीं हो पाए। हिंसक हुए लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, तो वहीं दोनों पक्षों के बीच में पत्थरबाजी की स्थिति भी निर्मित हो गई। आइए आपको लेकर चलते हैं रीवा रेलवे स्टेशन और दिखाते हैं वहाँ क्या घटना घटी। Hello.
बचे हो भाई? ड्यूटी में हूँ, ड्यूटी में। सही पुराना खिलाड़ी है वो, 50 साल से वही कर रहा है वो। बहुत सही गिरा बोला, मेरे साथ उससे का टूटी, स्मेल कर रहा था और रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे। और भी आ रहे हैं, अकेला है अंदर घुस गए वो एक लड़के। ले आ यहां, ले आ कहाँ है ना? अरे नहीं नहीं आप आ जाइए ना पैदल। हिरासत में लिए गए सर कुछ लोग? हिरासत में लिए गए। दादा मैं आपको बता दूं कि भारत बंद के दौरान सुबह से ही शहर में गहमा गहमी का माहौल रहा। पुलिस के द्वारा जहां शांति व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए धारा 144 लगाई गई थी, बावजूद उसके लोग सारा दिन समूह में घूमते रहे। खबर लिखे जाने तक पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन में एक भी गिरफ्तारी नहीं की। आंदोलन की इस घटना पर लगातार नजर बनाए हुए हैं हमारे संवाददाता अनिल त्रिपाठी। आइए जानते हैं अनिल से क्या है वहां के हाल। जी दिव्या, हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी सुबह के 11 बजे हैं, SC ST एक्ट का विरोध जताने वाले आंदोलनकारी इकट्ठे हो चुके हैं। पूरी भीड़ को नियंत्रित करने पुलिस का काफ़ी बल तैनात हो चुका है। इन आंदोलनकारियों में सपाक्स, सवर्ण सेना, ब्राह्मण महासभा, छत्री वाहिनी से जुड़े लोग दिखाई दे रहे हैं। कहने को तो धारा 144 लगी है, लेकिन यहाँ उसका पालन होता नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ ठीक?
दौरान न देखी। अगर कोई 323 526 का मुकदमा है तो उसको जमानत कोर्ट से विद इन सेकंड मिल जाएगी। हाँ, 376 करके कोई कांग्रेसी जाएगा तो उसको जमानत उतना नहीं मिलेगी। हत्या करेंगे कांग्रेसी तो जमानत इनकी नहीं होगी। हत्या करेंगे कांग्रेसी, इससे क्या मतलब? बार बार कांग्रेस को नहीं, वो कांग्रेसी इस मुल्क में रेप का फैशन युवा कांग्रेस के सम्मेलनों में कंडोम के बोरों में कंडोम मिलते थे। तो रेप का संस्कृति इन्होंने फैलाई, हत्याएं जो हुई, जो संस्कृत हत्याओं की फैलाई इन्होंने, अपराधियों को इन्होंने राजनीति में लाने का काम किया और पूंजीपतियों को लाने का काम इन्होंने किया, तस्करों को ले इन्होंने संसद का टिकट दिया। तो जितने भी आज लोकतंत्र पर ग्रहण जो लग रहे हैं वो कांग्रेस के कल्चर का, उसकी सरकार की नीतियों का, उसके नेताओं के आचरण का है। चाहे वो नेहरू रहा हो, चाहे वो गांधी रहा हो, वो इंदिरा गांधी रही हो, इन सारे लोगों के व्यक्तिगत आचरण पर देश के लोगों की क्या धारणा थी इसको तो पुराने लोगों से पूछिए, इतिहास देखिए, वो उसका इंदिरा मथाई की पुस्तक पढ़िए और इंदिरा गांधी के बारे में जितनी भी पुस्तकें हैं उनको पढ़िए, सोनिया गांधी की पुस्तकों के बारे में पढ़िए। तो ये कल्चर इनका रहा है, अयासी और हरामखोरी, भ्रष्टाचार, ब्लैक मार्केटिंग, तस्करों को संरक्षण। हम लोग नारा लगाते थे कि इंदिरा हाजी यो मस्तान, लूट रहे हैं हिंदुस्तान। इस आधार पर देश में आंदोलन चला था कि हाजी मस्तान और वो बखिया और ये इंदिरा गांधी, ये तीनों लोग मिलकर के काला बाजार ये तस्करी करने का काम करते हैं। तो इस तरह से तो ये इनका कल्चर रहा है, इस पर ये आपने जैसे कहा कांग्रेस में अपराधी आरोप तो भाजपा के भी 200 से ज़्यादा सांसद। मैंने ये कहा कि राजनीति में अपराधियों को लाने का काम कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया। आज मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी पार्टी में कोई अपराधी सांसद, एक सांसद बिना किसी सांसद के ऊपर आरोप हो सकता है,
होगा, भविष्य में भी आ सकता है। जानकारी के लिए आई चलते हैं सादाब के पास। दिव्या, आपको बताना चाहूंगा, बंद का असर रीवा में भी देखने को मिला। सुबह से ही कई संगठनों के लोग रीवा बंद कराते नजर आए। कहने को तो रीवा में धारा 144 लगी थी, लेकिन इसका असर कहीं देखने को नहीं मिला। लोग रैली निकालकर रीवा बंद कराते नजर आए। किसी तरह की कोई घटना न हो, इसको लेकर पुलिस के आला अधिकारी और पूरा प्रशासनिक अमला खुद सड़क में उतर आया। रीवा बंद करा रहे लोगों ने कंट्रोल रूम को भी, ऐसा पहली बार देखने को मिला जब बंद के दौरान रीवा में इस तरह की घटनाएं हुई। को बोला इसे अबे कच्चा पब्लिक समिति तो जाएगी ना। Video
इसमें संशोधन किया जाए और सरकार को इसमें जल्द से जल्द सोचना चाहिए, संशोधन करेगी तो प्रदर्शन नहीं होगा, शांति बनी रहेगी। अगर संशोधन नहीं हुआ तो इससे और उग्र प्रदर्शन होगा, जिसका हरियाणा सरकार जानेगी, शासन प्रशासन शिवराज सरकार, मोदी सरकार, हर सरकार जानेगी। इस पूरी सवर्ण जो है चुनाव का बहिष्कार करेगी अगर इसमें जल्द से जल्द सुधार नहीं हुआ। अभी तक तो सामान्य है, कहीं पर भी कोई भी गंभीर शिकायत नहीं हुआ। जितना भी जो विरोध कर रहे हैं इसको, अभी तक उन्होंने शांतिपूर्वक किया है। एक दो जगह में कुछ लोगों ने टायर वगैरह जलाया है, मगर मौके पर पुलिस पहुंच गई है। हर जगह पर पुलिस का फोर्स है, आम जनता सामान्य तौर से अपना काम में लगा हुआ है। कुछ जगहों में दुकान वगैरह बंद हुआ है, शायद 2 बजे के आसपास फिर ये सब अपना सामान्य स्थिति में पड़ जाएगा। समान थाने में दो लोगों को बैठा गया था, आपके अंतर के बाद चुनाव तक के बाद हाँ नहीं, कोई किसी व्यक्ति ने वो लिया नहीं था, परमिशन बिना लेके जा रहे थे, तो प्रशासन ने जो व्यवस्था किया था उस व्यवस्था के तहत करना था, समझाइश देकर उनको रवाना कर। आगे के घटनाक्रम की जानकारी के लिए आई चलते हैं सादाब के पास। दिव्या, आपको बताना चाहूंगा कि बंद के दौरान जो माहौल था, ऐसा प्रदर्शन शायद ही पहले कभी हुआ हो। पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर सहित शहर की सभी दुकानें बंद रहीं। एक तरफ जहां प्रदर्शनकारियों ने कंट्रोल रूम को घेरने की कोशिश की, वहीं दूसरी तरफ इन लोगों ने भाजपा कार्यालय को भी घेरा, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को वहां से हटाया। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने भेदा मोड़, सिमौ चौराहे सहित कई जगहों पर टायरों में आग लगा दी, लेकिन समय रहते पुलिस ने इस पर काबू पाया, नहीं तो बड़ी हिंसक घटनाएं भी हो सकती थी। ताज़ा तरीन खबरें, मनोरंजन के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल रीवा दर्शन। नमस्कार।